आता भी है पेपर में, न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही इस पे। सिंपल दे दिया हुआ एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ दी हुई है एल। अब ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर है और इस सेंटर के एंगुलर स्पीड से इसके सराउंडिंग्स में ये रोटेट करेगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें दी हुई है क्रॉस से, इसमें दिखाया है बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें सबसे पहले ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड हो रहा है रॉड में हमें वो बताना है, उसके बाद करंट भी क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, और फिर देन हीट डिसिपेशन, जबकि रेजिस्टेंस जो रॉड की है वो आर दी हुई है हमारे पास। देखिए सबसे पहले जो चेंज इन फ्लक्स होगा रॉड में, वो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा वो देखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज इन फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। तो ये हो गया बी डॉट ए, तो फाई के लिए आप लिखते हो बी डॉट ए, तो बी और एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ एल है रॉड की, तो पाई इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, तो चेंज इन फ्लक्स के कारण ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा ही, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपके पास आएगी वो आएगी चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, मतलब जैसे डी फाई बाई डी टी लिखते थे, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स फाई अपॉन टाइम, ठीक है। और चेंज इन फ्लक्स हमने देख लिया है ऊपर में, हमारे पास बी इंटू पाई एल स्क्वायर है ये, तो बी इंटू में पाई एल स्क्वायर अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं, और वन अपॉन टी जो होता है आपके पास, आपको अच्छे से पता है वन अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाए वन अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एफ से भी लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से भी लिखते हो, दोनों ही फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा बी इंटू पाई एल स्क्वायर न्यू, और फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, हालांकि फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा अपॉन टू पाई, तो ये ओमेगा अपॉन टू पाई ये आ जाएगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है ई इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हो ओमेगा अपॉन टू पाई, तो पता है क्या आएगा, ये पाई और पाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ईएमएफ ई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वन बाय टू बी एल स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो एक तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होगा, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है और एल लेंथ ऑफ रॉड दी हुई है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट में मैं आ जाता हूँ कि इंड्यूस्ड करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला काम तो हमने कर लिया है, तो इंड्यूस्ड करंट की बात कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट आई, आई इक्वल टू आपको पता है ई बाय आर लिखते हो, तो जो भी वैल्यू ऊपर में हमारे पास ई की दिख रही है तो उसमें अपॉन आर कर लो, तो दैट मीन्स हमारे पास दी हुई है वन बाय टू, वन बाय टू और बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में आर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब उसी तरह से हीट डिसिपेशन क्या है, थर्ड वाला देख ले, मतलब हीट के फॉर्म में जो लॉस हो रही है एनर्जी, तो हीट डिसिपेशन है। तो हीट डिसिपेशन अगर आप देखोगे तो ये होगा आपको एच से भी लिखते हैं, क्यू से भी लिखते हो आप, तो जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो लिख लो। ये ई स्क्वायर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी ये भी फॉर्मूला होता है। तो ई स्क्वायर ई की वैल्यू जो है यहाँ पे वन बाय टू, मतलब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो वन बाय फोर हो जाएगी, बाकी बी स्क्वायर एल पे पावर फोर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एल पे पावर फोर
ओमेगा स्क्वायर और टी तो है ही आपके पास यहाँ पे, और अपॉन में आर, ठीक है ना। तो ये अपॉन में आर, ये पूरा का फॉर्मूला हीट डेसिपेशन के लिए आपके पास आ जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर होगा यहाँ से, यहाँ तक जो भी फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है।